ओके देखिए इसके बाद मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन 34 क्या गिवन है, लिमिट है 1 से 3 और जिस फंक्शन को इंटीग्रेट करना है वो है 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो यहां पर इस क्वेश्चन को देख के क्लियर हो गया कि ये क्वेश्चन तो पार्शियल फ्रैक्शन का है क्योंकि यहां पर 1 है और यहां पावर एक्स स्क्वायर एक्स प्लस 1 है, जिसे हम परफेक्ट स्क्वायर भी बना नहीं सकते हैं और कोई सब्स्टिट्यूशन इसमें नहीं हो रहा। अब देखो तो जो फंक्शन है उसके पहले पार्शियल फ्रैक्शन कर लें, एक्स स्क्वायर एक्स प्लस 1 इसके हम पार्शियल फ्रैक्शन करने जा रहे हैं और जो पार्शियल फ्रैक्शन है वो होंगे a अपॉन एक्स, बी अपॉन एक्स स्क्वायर, सी अपॉन एक्स प्लस 1। अगर हम a, b, c की वैल्यूज फाइंड कर लें तो ये एक्सप्रेशन को इसके टर्म्स में लिखा जा सकता है और अभी हमने ये मान लिया कि ये एक्सप्रेशन इसके इक्वल है। पार्शियल फ्रैक्शंस में ब्रेक करने की प्रॉपर्टी है कि अगर रिपीटेड रूट्स हैं, लीनियर है, x की पावर 2 है तो हम क्या लिखेंगे, x लिखेंगे फिर x स्क्वायर लिखेंगे, यहां पर लीनियर है तो ऊपर कांस्टेंट लिखेंगे। अब देखिए हमें a b c फाइंड करना है तो सबसे पहले 1 इज इक्वल्स टू यहां पर एलसीएम ले लो या इसको भी ऐसे लिखा रहने देते हैं। देखिए यहां पर आएगा 1 अपॉन x स्क्वायर x प्लस 1 और यहां पर एलसीएम क्या आएगा, x स्क्वायर x प्लस 1। अब जो हमने इतना लिख लिया उसके बाद क्या होगा, a इंटू a के साथ क्या होगा x टाइम्स x प्लस 1 और प्लस b इंटू x प्लस 1 और प्लस c इंटू x स्क्वायर। अब यहां पर ये इससे कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास आया 1 इज इक्वल्स टू ए एक्स ब्रैकेट में x प्लस 1 प्लस बी एक्स प्लस 1 प्लस सी एक्स स्क्वायर और ये एक एल्जेब्रिक आइडेंटिटी है, x की सभी वैल्यूज के लिए ट्रू होगी। तो हमें यहां पर करना क्या है कि ए बी सी कॉन्स्टेंट निकाल लें तो एबीसी कांस्टेंट हम यहां पर क्या करेंगे, इस एल्जेब्रिक आइडेंटिटी को यूज करेंगे कि हम एक्स की जगह कुछ भी रख सकते हैं। तो पहले वैसे रखेंगे कि जिससे हमारे पास वैल्यूज निकल आए कांस्टेंट्स की। अब देखिए अगर आप एक्स की जगह जीरो रखते हैं तो यहां पर जीरो जाएगा, सी इंटू जीरो, यहां पर भी जीरो और बी की वैल्यू मिल जाएगी। अब लेफ्ट हैंड साइड पर देखते हैं, यहां पर तो एक्स का टर्म है ही नहीं तो यहां पर सब्स्टिट्यूशन होगा ही नहीं, हमने यहां पर पुट किया है x इज इक्वल टू 0 दोनों साइड पर तो यहां 1 ही रहेगा, यहां 0, ये पूरा एक्सप्रेशन 0 इंटू जो भी आएगा और प्लस b इंटू 0 प्लस 1 प्लस c इंटू 0 तो यहां पर c इंटू 0 है तो ये 0, ये वाला a से भी 0 हो गया सब। तो यहां पर b इंटू 1 इज इक्वल टू 1 तो b की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, b इज इक्वल टू 1 आ गया। अब देखिए नेक्स्ट एक्सप्रेशन क्या रखा जाए, x की जगह पर हमने रखा माइनस 1 क्योंकि देखिए माइनस 1 रखने पर ये वाला टर्म भी 0 होगा और ये वाला टर्म भी 0 होगा और हमें c की वैल्यू मिल जाएगी। नाउ एट x इज इक्वल टू माइनस 1 हम इस आइडेंटिटी में रख रहे हैं, एल्जेब्रिक आइडेंटिटी ये है तो 1 इज इक्वल टू, अब ये टर्म भी 0 हो गया, ए एक्स इंटू 0 इंटू के साथ डॉट लगा के 0 लिखो प्लस b इंटू 0 प्लस c माइनस 1 स्क्वायर। अब देखिए ऐसा लिखने से हमें क्या मिला, c इंटू माइनस 1 स्क्वायर और ये 1 हो जाएगा तो c इज इक्वल टू 1 आ गया। b और c की वैल्यूज हमने फाइंड कर ली। अब हमारे पास ऑप्शन है कि हमें a की वैल्यू निकालनी है, हम चाहें तो यहां पर x इज इक्वल टू 1 रख दें, हमने 0 रखा है और माइनस 1 रखा है
तो भी हमें एक इक्वेशन ए बी सी में मिलेगी, और पहले से हम इसको जान वैल्यूज हमको क्या मालूम है, हमें वैल्यू सी की मालूम है और बी की मालूम है। तो इस आइडेंटिटी में हमने क्या रखा, एक्स इज इक्वल्स टू वन इन, इसका कुछ नाम रखते आइडेंटिटी पी मान लो ये इन पी। तो हमारे पास क्या आ गया, देखो यहां तो वन ही रहेगा, वन इज इक्वल्स टू ए और एक्स की जगह पर वन है तो वन ही रहेगा, और ये क्या होगा वन प्लस वन टू। देखिए जैसे देखते हैं यहां पर x की जगह पर 1 रखा, फिर यहां पर भी 1 रखा तो 2 आ गया, इसे 2 ही लिख लेते हैं। x की जगह पर 1 रखेंगे तो 2 भी हो जाएगा, x की जगह पर 1 तो c, क्योंकि 1 का स्क्वायर तो ये आएगा। अब यहां पर देखिए c इज इक्वल्स टू 1 है और b इज इक्वल्स टू भी 1 है, तो यहां पर 1 इज इक्वल्स टू 2a प्लस 3 हो गया, इधर जाएगा माइनस टू इज इक्वल्स टू टू ए, ए की वैल्यू आ गई माइनस वन। तो जो हमारे पास रिक्वायरमेंट थी ए बी सी की वो हमने फाइंड कर ली, ए की वैल्यू आई है माइनस वन और बी की वैल्यू है वन और सी की वैल्यू है वन। अब देखिए अब यहां पर जो एक्सप्रेशन है ये हम मिटा दे रहे हैं, इस क्वेश्चन में एबीसी की वैल्यू एक्स के कोफिशिएंट कंपेयर करके भी निकाल सकते हैं। मैंने इससे पहले जब आपको पढ़ाया है एक्सरसाइज 7.5 है पार्शियल फ्रैक्शन से, उसमें दोनों ही मेथड को मेंशन किया है कि जब आइडेंटिटी बन जाए तो आप कोफिशिएंट भी कंपेयर कर सकते हैं और वैल्यूज भी प्लेस कर सकते हैं, क्योंकि मिसलेनियस का क्वेश्चन था, हमने अब वैल्यूज से निकाल लिया। अब देखिए ए बी सी की वैल्यूज हमारे पास हैं और अब हम यहां पर प्लेस करने जा रहे हैं, इसकी जगह पर ये लिख सकते हैं, तो इंटीग्रल ऑफ 1 अपॉन एक्स स्क्वायर एक्स प्लस 1 डी एक्स और 1 से 3 लिमिट is equals to a, a का मतलब minus 1 upon x plus b 1 upon x square plus c 1 upon x plus 1 से 3 dx। इसकी जगह पर partial fraction से हमने इसमें break कर लिया, अब इसको integrate करते हैं, 1 by x का integration क्या आएगा log x और मॉड में रहेगा ये, और ये देखिए ये जो बाहर माइनस हमने यहां लगा दिया इस फंक्शन का इंटीग्रल हो गया, तो अपर लिमिट और लोअर लिमिट लगाते चलते हैं, इस टू वन प्लस अब 1 by x स्क्वायर है, ये x की पावर माइनस टू होगा, इसको जब इंटीग्रेट करेंगे तो आएगा x की पावर माइनस टू प्लस वन माइनस टू प्लस वन, इसका मतलब क्या होगा ये x की पावर माइनस वन अपॉन माइनस वन, जिसे लिख सकते हैं माइनस वन बाई एक्स आएगा माइनस वन अपॉन एक्स, और माइनस वन बाई एक्स आएगा, इंटीग्रल हो गया है तो इसकी भी लिमिट लगा दो थ्री इज टू वन, और वन बाई एक्स का इंटीग्रल होगा लॉग एक्स प्लस, और ये भी इंटीग्रल कंप्लीट तो लिमिट अपर और लोअर हमने यहां पर पुट कर दी। अब देखिए अपर लिमिट यहां रखते हैं तो माइनस लॉग थ्री और माइनस होगा लेकिन बाहर माइनस का साइन है प्लस लॉग वन। अच्छा अब यहां पर क्या आएगा, मॉड लगा हुआ था लेकिन यहां पर चूंकि पहली वैल्यू पॉजिटिव है 3 तो हमने यहां पर मॉड हटा के लिख दिया, यहां पर क्या है log 3 माइनस log 1 होगा लेकिन ये बाहर माइनस लगा हुआ है तो ब्रैकेट जब अंदर जाएगा तो माइनस log 3 प्लस log 1 हो जाएगा। यहां देखिए क्या होगा, ये आएगा 1 by 3 माइनस 1 by 3, अब माइनस करेंगे लेकिन पहले से यहां माइनस है तो प्लस 1 हो जाएगा और ये तो प्लस है, और यहां पर क्या आएगा log
4 माइनस log 2, log 2, देखिए कैसे, पहले अपर लिमिट रखेंगे 3, तो 3 प्लस 1 इज 4, माइनस लोअर लिमिट log 2, log 1 की वैल्यू तो 0 होती है, ये तो 0 हो गया, अब यहां पर क्या आएगा, और 1 माइनस 1 बाय 3, 1 माइनस 1 बाय 3, तो ये तो 2 बाय 3 के इक्वल होगा। अब यहां पर देखो क्या क्या आएगा, ये 0 हो गया, ये माइनस log 3 है, माइनस log 3, माइनस log 3, यहीं पे लिखते हैं, माइनस log 3, और ये तो 1 by 2 by 3 हो गया, और यहां पर क्या आएगा, log 4, प्रॉपर्टी से log 4 upon 2, क्योंकि इसी को हम log 4 minus log 2 लिख सकते हैं, तो ये log 2 हो जाएगा, plus log 2 plus 2 by 3। अब देखिए आपके पास जो लिखा हुआ एक्सप्रेशन आया वो क्या था, इसको मिटा देने, एक्सप्रेशन आया है log 2 माइनस log 3 प्लस 2 अपॉन 3। अब log 2 माइनस log 3 को हम क्या लिख सकते हैं, log 2 अपॉन 3 प्लस 2 बाय 3, ये इसका आंसर होगा। log की प्रॉपर्टी है कि कहीं पर अगर log m माइनस log n लिखा है तो log m अपॉन n उसको लिखा है।